सभी दिव्यांगों के खातों में आने लगे 1500-1500 रुपए। मोदी सरकार दिव्यांगों के खाते में पैसा डाल रही है। तो दोस्तों, आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आपके खाते में आया या नहीं आया, आप अपने घर बैठे अपने फोन में चेक कर सकते हैं। लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, कैसे आप चेक करेंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस योजना के बारे में और इस स्कीम के बारे में जानकारी हासिल कर सके और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को किस प्रदेश, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम जरूर लिख दें, ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई भी विकलांग है और उनको अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले या फिर मिल चुके हैं, उनको कैसे चेक करना होगा, तो हम ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें लिखना होगा सर्च में, दोस्तों यहां पर आपको लिखना होगा दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2022। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूं दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2022। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं लिख चुका हूं। फिर इसके बाद क्लिक करता हूं। फिर से जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए एक नया पेज ओपन होने वाला है। दोस्तों, यहां पर नया पेज ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे है दिव्यांग कुष्ठावस्था पेंशन योजना, ऊपर जो फर्स्ट लाइन में लिखा दिखाई दे रहा है दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2022 उत्तर प्रदेश। आप अपने राज्य के हिसाब से चुन सकते हैं। यहां पर चलिए उत्तर प्रदेश का देखते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा। दोस्तों, जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो यहां पर देखिए सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये दोस्तों दिव्यांग पेंशन जनपद बार सारांश, अपनी जनपद के हिसाब से यहां पर आपको चुनना होगा जो भी आपकी जनपद है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर एक जनपद ले लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर जैसे ही एक जनपद पर क्लिक किया, फिर से एक नया पेज ओपन होगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम हो रहा है नया पेज ओपन होने में। तब तक दोस्तों वेट करते हैं। तो आपको अपने घर बैठे बस इजी तरीके से इसी तरह आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए नया पेज ओपन हो चुका है। फिर यहां पर आपको दिखाई देगा दिव्यांग पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकास खंड वार सारांश, और नीचे आपको दिखाई देगा शहरी क्षेत्र नगर निकाय, यानी आप अगर शहरी क्षेत्र से रहते हैं या फिर नगर निकाय के रहने वाले हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो अपना विकास खंड चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कोई भी एक विकास खंड ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर एक नए विकास खंड पे क्लिक किया, फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत बार सारांश, जो भी आपकी ग्राम पंचायत आप उसके हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ग्राम पंचायत के हिसाब से आ चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक ग्राम पंचायत सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दिव्यांग पेंशन ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत वार सारांश। इस ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम है वहां पर देख सकते हो आपको कुल पेंशनर्स 45 यानी 45 हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर से एक नया पेज जो नीले कलर का आपको लिखा दिखाई दे रहा है 45 45, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पर देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो बली हसन, अली हसन, नूर अहमद, सलीम बख्श, इन लोगों को 1500-1500 रुपए इनके खाते में मिल चुके हैं और इनके अकाउंट के चार नंबर लास्ट के यहाँ पर दे रखे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये इनके बैंक खाते के चार नंबर हैं जो इनके खाते में पैसा पहुंचा है और इन लोगों के खाते में ये 1500-1500 रुपए पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर बैठे पैसा चेक कर सकते हैं। आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई भी विकलांग है तो इस तरह से वो पैसा चेक कर सकते हैं कि उनको अभी तक 1500 रुपए मिले या नहीं मिले हैं, और नहीं मिले हैं तो कुछ दिन वेट करना होगा, इसका लाभ उनको मिल जाएगा। इसके लिए खुद का किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस या फिर सेविंग अकाउंट खुला होना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।